हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड और कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है साइन 80 डिग्री माइनस के साइन 20 डिग्री, ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो राइट आंसर क्या है इसमें, आइए देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इस साइड में मैंने कुछ फार्मूले करके हैं जो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सभी फार्मूलों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो उनको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको x मान लेते हैं हम और इसको y मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये क्या बन गया, साइन x माइनस के साइन y। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो साइन x माइनस के साइन y, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इन फार्मूलों को याद कैसे करते हैं, हाँ जी, जैसे साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है 2 sin x + y/2 और cos x माइनस y/2, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये फार्मूला याद हो गया, ठीक है, तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे, हाँ जी, यहाँ प्लस था, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, साइन चेंज हो गया, तो हर जगह माइनस चेंज, हर जगह साइन चेंज कर दो। प्लस की जगह पे माइनस, साइन एक्स प्लस वाई था, यहाँ साइन एक्स माइनस वाई है, cos x माइनस वाई था, यहाँ भी साइन चेंज, प्लस वाई है, ठीक है दोस्तों। आप इन दोनों को याद करें और आप इन दोनों को साथ में याद करें, ठीक है। जैसे प्लस था, कोस कोस था, तो यहाँ भी कोस, यहाँ भी कोस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ साइन और यहाँ भी साइन, ठीक है। सिर्फ इस फार्मूले में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है, जैसे हर एक फार्मूले में एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे क्या है, वाई माइनस एक्स है, ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अब एक्स की जगह पर क्या मेरे पास 80 डिग्री और वाई पे, वाई की जगह पर क्या मेरे पास 20 डिग्री। फार्मूले वैल्यू पुट करते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 cos x + y/2 और cos x - y/2। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 cos, हाँ जी, 100/2 और cos, इसमें से कितना गया 60/2, ये कट गया, यहाँ से कट गया, तो क्या बच गया, 2 cos 50 डिग्री और cos 30 डिग्री, हाँ जी, 2 cos 50 डिग्री और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2, ठीक है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने आपको बताया था, इससे ये कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया, cos 50 डिग्री, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो बी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। जैसे क्वेश्चन है cos 10 डिग्री माइनस के cos 50 डिग्री, ठीक है दोस्तों, और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। सिंपल है, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कोस एक्स माइनस के कोस वाई, हाँ जी, कोस एक्स माइनस के कोस वाई का फार्मूला ये होता है। फार्मूले वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होता है, 2 sin x + y, 10 + 50/2 और साइन, हाँ जी, मैंने आपको बताया था जहाँ माइनस होता है तो वहाँ वाई माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे वाई क्या 50 - x/2, ठीक है दोस्तों। इसको सोल्व कर लो, 2 sin 10 और 50 60 और 60/2 क्या आ जाएगा 30 डिग्री, हाँ जी, साइन 50 में 10 के 40, 40/2 क्या आ जाएगा 20, ठीक है दोस्तों। 2 sin 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है और साइन 20 डिग्री, इसके साथ ये कट गया, तो मेरा क्या बच गया, साइन 20 डिग्री, और साइन 20 डिग्री क्या है, ए, तो ए क्या आ जाएगा राइट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास कोस 172 डिग्री प्लस कोस 68 डिग्री प्लस कोस 52 डिग्री, ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो राइट आंसर क्या है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए पहले इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। हाँ जी, कोस, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई, कोस एक्स प्लस वाई, इसको एच डी रहने देते हैं। कोस एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, ये होता है, क्या होता है फार्मूला, ओपन कर देते हैं, 2 cos एक्स क्या है 172 प्लस 60, 2 cos x + y/2 cos x - y/2 प्लस ये एज इट इज, इसको मैंने टच नहीं किया, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, तो ये क्या आ गया, 2 cos, हाँ जी, क्या आ गया, 8 और 2 10, 7 और 6 13 और 1 14, ठीक है दोस्तों, 1 और 1 2/2 cos, हाँ जी, 12 में 8 के कितना होता है 4 0 1/2 प्लस में cos 52 डिग्री, हाँ जी, यहाँ कट गया, यहाँ क्या आ गया 120 और यहाँ क्या आ गया 52, ठीक है दोस्तों। क्या बच गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 cos 120 डिग्री cos 52 डिग्री प्लस cos 52 डिग्री प्लस cos 52 डिग्री, इसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। हाँ जी, 2 cos,
120 को मैंने आपको बताया था, जिस एंगल को मैं 90 प्लस की फॉर्म में लिख सकता हूँ उसकी वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। तो हाँ जी, 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे 30 की वैल्यू पता है, 30 डिग्री की। कोस 52 प्लस कोस 52, ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे। कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस के साइन थीटा, 90 है, चेंज हो गया साइन में और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो आ जाएगा माइनस के साइन 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों, और कोस 52 ये एज इट इज़, और प्लस कोस 52 ये भी एज इट इज़, ठीक है। 2 ये माइनस है और मल्टीप्लाई, साइन 30 की वैल्यू क्या आती है? 1/2 कोस 52 एज इट इज़, और प्लस में कोस 52 एज इट इज़, इसके साथ ये कट गया और क्या आ गया? माइनस के कोस 52 प्लस के कोस 52, ये सब डिग्री में है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एंगल है, ठीक है। हाँ जी, इसके साथ ये कट गया तो क्या आ गया? 0, तो बी क्या आ गया? मेरा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कोस 15 डिग्री माइनस के साइन 15 डिग्री, ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो राइट आंसर क्या है इसमें? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हाँ जी, अगर मैं इस क्वेश्चन को इन फार्मूले के साथ कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे क्या है? कोस 15 डिग्री माइनस के साइन 15 डिग्री, लेकिन फार्मूलों में क्या है? यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे साइन है यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे कोस है यहाँ पे भी कोस है, यहाँ पे कोस है यहाँ पे भी कोस है, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये भी कोस होना चाहिए था। तो इसको या तो आप ऐसा करें, कोस को साइन में चेंज कर लो, दोनों साइन हो जाएंगे, या साइन को कोस में चेंज कर लो, कैसे भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। हाँ जी, कोस 15 डिग्री को एटीज लेने देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब साइन 15 डिग्री को मैं, साइन 15 को मैं 90 माइनस के 75 लिख सकता हूँ, 90 में से 75 के कितने होते हैं? 15 होते हैं, तो ये तो आएगा साइन 15 डिग्री, तो आएगा लिखने का तरीका है, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, कोस 15 डिग्री एज इट इज माइनस के साइन 90, इसको मान लो थीटा मान लेते हैं एक मिनट के लिए, ये साइन 90 माइनस के थीटा है, और साइन 90 माइनस के थीटा मैंने आपको बताया था वो क्या होता है? हमेशा कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू 75 है, तो क्या आएगा? कोस 75, ठीक है दोस्तों। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कोस यहाँ पे साइन था, मैंने दोनों को कोस में चेंज कर लिया। अब मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, कोस एक्स माइनस के कोस वाई का फार्मूला ये होता है। अब मेरे पास क्या स्टेटमेंट बन गई? ये स्टेटमेंट बन गई, ठीक है दोस्तों। फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, फार्मूला क्या होता है? 2 sin x plus y by 2, ठीक है दोस्तों, और साइन वाई माइनस एक्स बाय 2 75 माइनस 15 बटे 2, इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं 2 sin। हाँ जी, ये कितना आ गया? 5 रुपये 10 7 8 9 90/2, और ये साइन 60/2, ठीक है। ये कट गया कितना आ गया? 45, और ये कट गया कितना आ गया? 30। तो ओवरऑल मेरे पास क्या बचा? 2 sin 45 degree और साइन 30 degree। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 sin 45 degree की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, और साइन 30 degree वैल्यू क्या होती है? 1/2। इससे ये कट गया, तो मेरे पास क्या बचा? 1/√2। ये क्या गया? मेरा राइट आंसर, और ये क्या है? ए, तो मेरा ए क्या जाएगा? राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, साइन 5x प्लस साइन 3x बटे में कोस 5x प्लस कोस 3x, ठीक, इसको सोल्व करके क्या आएगा? चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएँ, तो कैसे करेंगे? हाँ जी, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ, तो ये क्या है? साइन x प्लस में y, अब x की जगह क्या आ गया? 5x आ गया, और y की जगह में क्या आ गया? 3x आ गया, ठीक है दोस्तों। सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दो, ऐसे नीचे अप्लाई कर दें। आइए करते हैं फार्मूला, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 sin, हाँ जी ये x है ये y है, x प्लस y बाय 2, तो 5x प्लस 3x बाय में 2, और cos x माइनस के y बाय 2, तो सेम नीचे cos x प्लस में cos y, cos x प्लस में cos y, y की जगह क्या है? 3x है, 2 cos, हाँ जी x प्लस y बाय 2, और cos x माइनस के y बाय 2, हाँ जी इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 sin, 5 और 3 8x बटे 2, तो क्या आ जाएगा? 4x, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही 5 में से 3 के 2x और बटे 2, तो cos x, यहाँ पे क्या बचा? cos x, ठीक है दोस्तों, डॉट का साइन है, और नीचे 5 और 3 8 बटे 2, तो यहाँ पे क्या बचा? 4x, 2 cos 4x, ठीक है दोस्तों। 5 में से 3 के 2x बटे 2, तो यहाँ पे बचा x, ठीक है, कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, इससे ये कट गया। मैंने आपको बताया था साइन एक्स बाय कोस एक्स क्या होता है? टेंजेंट एक्स होता है, ठीक है दोस्तों। साइन 4x बाय कोस 4x क्या हो जाएगा? टेंजेंट
4x, ठीक है, वो टेंजेंट 4x क्या है मेरा, a, तो मेरा a क्या आ जाएगा, राइट आंसर। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले फार्मूला क्या है, दोनों सेम होने चाहिए। हाँ जी दोनों सेम, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो मैं इनके ऊपर ही फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ जी करते हैं फार्मूला अप्लाई, इसको एच डी रहने देते हैं। जब हम इनके ऊपर, ये साइन एक्स है और ये साइन वाई है, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है दोस्तों। जब मैं ये फार्मूला अप्लाई करूँगा तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा टू साइन, ये फार्मूला अप्लाई आएगा टू साइन 140 प्लस 120 बटे दो के आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है दोस्तों। और 140 में से 20 के क्या होता है 120, 120 बटे दो के आ जाएगा कोस 60 डिग्री, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख ली, यही आएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, कोस 170 डिग्री प्लस में टू साइन 80 डिग्री और को 60 डिग्री वैल्यू कहते हैं 1/2, इसके साथ ये कट गया, तो अब मेरे पास क्या आ गया, कोस 170 डिग्री प्लस में साइन 80 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब इसको सोल्व करना है। अब मैंने आपको बताया था दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन, या यहाँ पे कोस है यहाँ पे भी कोस, ठीक है। आइए चेंज करते हैं, कोस को साइन में कैसे चेंज करेंगे, कोस को मैं 90 प्लस 80 लिख सकता हूँ, 90 में 80 जोड़े क्या होते हैं 170 होते हैं, और इसको एच डी रहने देते हैं। और कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था 90 है चेंज हो जाएगा साइन में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा प्लस में साइन 80 डिग्री, इसके साथ ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया मेरा जीरो, तो ए क्या आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।